बीजेपी अजमेर देहात के पूर्व जिलाध्यक्ष प्रोफेसर पीपी सारस्वत ने आज युवा और विद्यार्थियों को गुरु मंत्र दिया और कोरोना वायरस के खिलाफ चल रही लड़ाई में सभी को अपना अपना योगदान करने का आग्रह किया। मैं अपने सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार करता हूं। आज लॉकडाउन 2 में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 3 मई तक लॉकडाउन बढ़ाया। इस महामारी के कारण हम सब लोग अपने घरों पर हैं, सामाजिक दूरी बनाकर रख रहे हैं और यही एक कारण है कि आज विश्व में भारत इस महामारी से बचा हुआ है। ये समय ऐसा है जिसमें आप लोगों की परीक्षाएं होनी थी पर परीक्षाएं नहीं हो पाई, पर जान से बड़ा कुछ भी नहीं होता है। इसलिए मेरा आपसे कुछ निवेदन है कि ये जो समय हमको घर पर रहने का मिला है, अपनी पढ़ाई करें, अपने अध्यापन का ध्यान दें और सबसे पहले तो हम घर में रहकर अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। ये जो कालखंड है, ये आपके अध्यापन का समय आपको मिला है, आपको कहीं भी अपने अध्यापन में कठिनाई हो तो अपने शिक्षकों से, गुरुजनों से आप फ़ोन पर, व्हाट्सएप पर बात कर सकते हैं। दूसरा, अपने घर में जो बुज़ुर्ग लोग हैं, उम्र में ज़्यादा हैं, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अपने गली मोहल्ले में ऐसे वंचित लोग जिनके पास भोजन की व्यवस्था नहीं हो तो वो भोजन की व्यवस्था भी यथा सहयोग हम अपने परिवार को कहकर करवाएं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आरोग्य सेतु ऐप मोबाइल पर डाउनलोड करने के लिए कहा है। आप सबसे मेरा निवेदन है कि आप स्वयं अपने मोबाइल पर यह ऐप डाउनलोड करें। इससे आपको आपकी स्वास्थ्य की जानकारी प्रतिदिन मिलती रहेगी और इस ऐप को ज़्यादा से ज़्यादा लोग डाउनलोड करें, इसकी व्यवस्था भी हमको करनी चाहिए। एक पीएम केयर्स फंड आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बनाया है, हमको जो जेब खर्ची मिलती है उसमें से कुछ अंशदान हम पीएम केयर्स फंड में करें। 100 रुपये कम से कम और अधिक से अधिक जितनी हमारी क्षमता है उतना योगदान करें। हम अपने जेब खर्च में से जितना भी अंशदान करेंगे वो देश में इस विपत्ति काल में काम आएगा। ये सोशल मीडिया और आईटी का युग है, हम सब लोग इस तरह का अंशदान ईटीएम से कर सकते हैं, नेफ्ट से कर सकते हैं, बैंक में जाकर कर सकते हैं, पर ये सब काम करते हुए हमको सामाजिक दूरी बनाकर रखनी होगी। हम भीड़ तंत्र का भाग नहीं बने, लोगों को हम ये संदेश दें कि हमको भीड़ में नहीं रहना है, घर के बाहर नहीं रहना है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो 7 बातें कही है वो 7 बातों पर हम अमल करेंगे। और चूँकि युवा ही क्रांति का अग्रदूत होता है, ये देश युवाओं का देश है। यूरोप बूढ़ा होता जा रहा है पर भारत जवान होता जा रहा है। आज 65% जनसंख्या भारत की ऐसी है जो युवाओं की जनसंख्या है। इसलिए इन युवाओं के स्वास्थ्य की चिंता के साथ इस महामारी से लड़ने के लिए जो मोदी जी ने आह्वान किया है उसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका सोशल मीडिया के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से सकारात्मक प्रचार प्रसार करके हम निभा सकते हैं। एक प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हम घर से बाहर निकलते ही मास्क का उपयोग करें। आप घर पर कपड़ा लेकर मास्क बनाने के लिए अपने परिवार की महिलाओं को, मोहल्ले की महिलाओं को प्रेरित कर सकते हैं और वह मास्क उन लोगों को उपलब्ध करवाएं जो आर्थिक दृष्टि से कमजोर लोग हैं। और ये तो भारत गांवों का देश है, यहाँ पर जो गमछा होता है जिसको गर्मी के दिनों में किसान से लगाकर व्यापारी, विद्यार्थी, ये सब उसको मास्क के रूप में काम लेते हैं गर्मी से बचने के लिए। ये अच्छा अवसर है कि इस बीमारी से बचने के लिए
गमछे को मास्क के रूप में हम उपयोग करें, घर पर शाम को आने के बाद उसको हम धो दें और उसका उपयोग दूसरे दिन भी हम कर सकते हैं। आज इस संकट की घड़ी में हम सब लोग एकमुखी होकर विश्व की इस महामारी से बचने के लिए अपने आप को तैयार करें। जय भारत।